जैन साथियों, कैसे हो? आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों स्टूडियो में बात करेंगे आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में। दोस्तों कई फ्रेंड्स का मुझे कमेंट आता है कि सर हमारे इतने नंबर हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और दोस्तों स्किल टेस्ट कब हो सकता है। फ्रेंड्स हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। गाइज अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो प्लीज यार आप इसकी उम्मीद छोड़ के किसी और पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों को बताऊँ अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, आप इस जॉब के ऊपर ना रहिए। ठीक है, इसके भरोसे मत रहिए। तो फ्रेंड्स कई फ्रेंड्स का डाउट रहता है कि सर हमारे इतने नंबर हैं, होगा या नहीं होगा, तो फ्रेंड्स हम आपके सभी डाउट्स वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपका समय ना लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको दोस्तों आज मोटिवेशन एक क्विज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसको आप देखिए दोस्तों। एंड फ्रेंड्स ये देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ठीक है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर पे भगवान नहीं होता। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्टडी करते हो अच्छे ढंग से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब दोस्तों लेनी है तो यार आपको तपना पड़ेगा सूर्य की तरह। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तभी आप कुछ कर पाओगे जिंदगी में। वरना भाई बेफालतू में किताब के सामने बैठे रहो पूरा दिन, अब ना पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो प्लीज मेहनत कीजिए अच्छे से। ठीक है, ये भाई आपके लिए मोटिवेशन क्विज थी, मोटिवेशन लाइन थी। आप प्लीज मुझे बताइए कॉमेंट करके आपको ये सब कैसा लगा आज। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्विज क्वेश्चन, दोस्तों सबसे पहले आपका क्विज पर्सन देख लेते हैं आज का। आपको दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन आज का ये, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन सामने है, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर, दूसरे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, दोस्तों बात करो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। फ्रेंड्स आपकी अभी हाल ही में करंट की बता रहा हूँ मैं, आपकी 134 पोस्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंक्रीज्ड, किसी ने कॉमेंट था सर पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों इसमें वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं अभी, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम मान सकते हैं वैकेंसीज आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो भर्ती है काफी समय से चलती आ रही है ये। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस हैं अभी, तो अभी बड़े नहीं है लेकिन हो सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज बढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों, जब आपकी वैकेंसीज बढ़ेंगी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लें उस बात की। और दोस्तों नहीं चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आप कितने नंबर हैं तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट आता है कि सर मेरे 35 नंबर है, मेरे 36 नंबर है, मैं जनरल से हूँ, ओबीसी से, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैं कहता हूँ भाई कि सच बात बोलनी चाहिए। ठीक है, झूठी तसल्ली में कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो बनती है इतने नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर का सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए भाई पक्का किसी को नहीं पता कितने नंबर पे सिलेक्शन होना है। हम बस मान सकते हैं कि इतने नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा या फिर इतने पे होगा। तो दोस्तों आपको मैं कुछ नंबर दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आप कितने नंबर हैं तो प्लीज आप इस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर वाले को आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल के बारे में। फ्रेंड्स देखिए अभी जनरल 43, दोस्तों अगर आपके नंबर 43 या फिर 45 समथिंग आ रहे हैं, अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो फ्रेंड, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी बहुत कम है, मतलब होगा ही नहीं है मान के चलिए आप। ठीक है, अगर आप जनरल से दोस्तों 43 आपके नंबर बन रहे हैं फ्रेंड्स, आपके इसमें बहुत कम चांसेस है आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो प्लीज आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो इस जॉब को छोड़ के। ठीक है, प्लीज आप डिमोटिवेट मत होइए, और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है गाइज, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोस्तों ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 42 नंबर है दोस्तों, 42 या फिर 41 नंबर है, इससे कम नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज आप इस जॉब को छोड़ के किसी और जॉब की तैयारी कर सकते हो फ्रेंड्स। ये जॉब मतलब इसमें आप क्वालिफाई आगे आप रह जाओगे दोस्तों, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। फ्रेंड्स बात करें एससी के बारे में, दोस्तों अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 40 नंबर है फ्रेंड्स, तब भी आपका इसमें सिलेक्शन 40 पे नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बात करें एसटी के बारे में, दोस्तों अगर आपके 37 से नीचे नंबर है, फिर 37 है दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपके 37 से ऊपर नंबर, तो आपके चांस है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज एसटी से हो आप, आपके 37 से कम नंबर है, फिर 37 है दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप प्लीज यार डीमोटिवेट मत होना, यार मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ डीमोटिवेट मत होना भाई, बहुत वैकेंसीज निकलती है, एंड आप मन लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन, फ्रेंड्स अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं एक सर्विसमैन में, 40 या 40 से कम है दोस्तों, इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। 40 से ऊपर है तो आपके चांसेस हैं, एक सर्विसमैन के लिए बता रहा हूं मैं।
अगर आपके 240 से कम नंबर है तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपके 40 से ऊपर नंबर दोस्तों तो आपके चांसेस हैं इसमें, ठीक है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और स्किल टेस्ट, क्योंकि मैं डाउट रहता है कि हमारे स्किल टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, कब से मतलब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे। तो दोस्तों देखिए, मई लास्ट वीक एंड जून फर्स्ट वीक है फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। मई देखिए, 3 मई तक तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ही पता है, हमें भी पता है, हर पूरे भारत को पता भाई, 3 मई तक लॉकडाउन चला पड़ा है, ठीक है। मई के बाद अगर कुछ सही रहता है भाई, मई के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। मई ना सही, आप मान के चलो जून के फर्स्ट वीक में आपके 100% एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के लिए आ जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, जब भी फ्रेंड्स आपके एडमिट कार्ड आएंगे स्किल टेस्ट के लिए, मैं दोस्तों सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगर आप सब वीडियो पाना चाहते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे रेड कलर के बटन पे, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जो मैं आपके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आईटीबीपी वाले या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आपको टाइम से मिल जाए। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और फ्रेंड्स आप कितने नंबर बन रहे हैं वही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई देखिए आपका चैनल है भाई, आपको चलाना है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। आपके वीडियो लाइक करने से, चैनल सब्सक्राइब करने से भाई मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।